इस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर भाजपा मिठाई बांट रही है, वहीं युवा कांग्रेस देश भर में बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राजधानी शिमला में भी युवा कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस ने केक काटा और नुक्कड़ नाटक के जरिए पकौड़े बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ने देश के युवाओं से रोजगार के नाम पर ठगी की है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि मोदी सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने में असफल रही, जिससे युवा खुदकुशी करने को मजबूर है। पढ़े लिखे युवाओं को पकौड़े बेचने को कहा जा रहा है। इस मजाक के खिलाफ मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। निगम भंडारी ने बताया कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देने के झूठे वादे से नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं का चुनाव में अपार सहयोग अर्जित किया, लेकिन नौकरी देना तो दूर, पर जो नौकरियां थी वो भी नोटबंदी, लॉकडाउन और गलत नीतियों और निर्णयों ने छीन ली, और जिनकी बची हुई है उनको भी डर है कि कब नौकरी चली जाए। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों युवा खुदकुशी कर रहे हैं और इस ओर भी सरकार को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान केक भी काटा और सरकार से मांग उठाई कि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सरकार के द्वारा सबसे बड़ा जो वादा, रोजगार तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। रोजगार है अधिकार हम आपका, रोजगार है अधिकार हम आपका, नहीं किसी का होगा, देना होगा, देना होगा। युवा क्या मांगे, रोजगार। हम क्या मांगे, रोजगार होगा, देना होगा, देना। तू शर्म करो, शर्म करो, हाय तू, हाय तू। रोजगार हिमाचल क्या मांगे, रोजगार। युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंदे मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म मांगे, रोजगार। युवा क्या मांगे, रोजगार। हम क्या मांगे, शर्म करो। बंदे मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदनी है, युवाओं को रोजगार दे न सकी, जो रोजगार देश क्या मांगे, रोजगार। आप क्या मांगे, रोजगार। हम क्या मांगे, रोजगार। देश क्या मांगे, रोजगार। युवा क्या मांगे, रोजगार, रोजगार, रोजगार। युवा क्या मांगे, रोजगार। देश क्या मांगे, रोजगार। देना होगा, देना होगा, देना होगा। रोजगार तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। रोजगार तो देना सकी सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। मैं तो स्टील लूंगी इसको ना कैमरे के साथ। अरे खाली सेना नफरत करना, खाली सब संसार, खाली सेना नफरत करना, खाली सब संसार। नशा नशा नशे में हम, धुआं धुआं ये जिंदगी है। कि आज अगर खामोश है तो कल सन्नाटा छाएगा, हर बस्ती में आग लगेगी और हर घर जल जाएगा, और उस सन्नाटे से एक ही आवाज आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज 17 सितंबर को शिमला शहरी युवा कांग्रेस और ग्रामीण युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा मिलकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को आज विशेष रूप में मनाया गया। आप सभी ने देखा, कांग्रेस कार्यालय से रोष रैली की शुरुआत की गई, जिस तरीके से
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पर लेकिन पूरी की पूरी तरीके से मोदी जी और इनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल हो चुकी है, और पूरा का पूरा जो रोजगार का जो सबसे बड़ा वादा था वो एक प्रकार का जुमला साबित हुआ है। इसको देखते हुए आज प्रदेश का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसके चलते आज प्रदेश भर के डिग्री होल्डर्स युवाओं ने, पीएचडी के भी यहाँ पर युवा है, जिन्होंने पीएचडी की वो भी युवा है, जिन्होंने एमफिल की है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने बीटेक की है, इमटेक की है, पूरे प्रदेश भर के युवाओं ने आज इस सिंबॉलिक प्रदर्शन में भाग लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताया कि जो आज आपका जन्म दिवस, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता पूरे देश भर में जिस हर्ष उल्लास के साथ नारे हैं, लेकिन आज प्रदेश का जो युवा है, देश का युवा है, वो उदास है, हताश है। और इस साल के आंकड़े बता दूं, 13,000 युवाओं ने आत्महत्या की है, हर 2 घंटे में 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के चलते युवा गलत संगत में पड़ रहा है, नशे की ओर जा रहा है, गलत कारनामे कर रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है जो मोदी जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की। और जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ने भी मोदी जी के नक्शे कदम पे चलते हुए चुनाव से पहले युवाओं से सबसे बड़ा वादा किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। पर वहां भी प्रदेश के युवा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।